नमस्कार, स्वागत है आपका बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में। इसमें हम आपको सेकंड पेपर रिंग थ्योरी रिंग पढ़ा रहे हैं। रिंग थ्योरी में टॉपिक आइडियल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इससे पहले वाले सेशन में आपको आइडियल्स की डेफिनेशन, राइट आइडियल, लेफ्ट आइडियल यानी गुणजावली, वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली के बारे में बताया था, और हमने उसके कुछ उदाहरण भी आपसे डिस्कस किए थे। नाउ आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो थ्योरम्स रहेंगी बेस्ड ऑन एन आइडियल। तो चलिए देखते हैं थ्योरम। देखिए, हमारी पहली थ्योरम यहाँ पे जो हमने ली है वो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग इज अगेन एन आइडियल ऑफ द रिंग। मीन्स किसी वल्य की दो गुणजावलियाँ का सर्वनिष्ठ भी उस वल्य की गुणजावली होती है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज अगेन एन आइडियल ऑफ द रिंग। ओके, तो हम मान लिया हमने R हमारी कोई भी रिंग है तथा I1 एंड I2 रिंग R की दो गुणजावलियाँ आइडियल्स हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 भी R का क्या होगा, आइडियल होगा यानी गुणजावली होगी। हमें ये सिद्ध करना है कि जो I1 इंटरसेक्शन I2 है, ये वाला I1 इंटरसेक्शन I2 रिंग R की क्या होगी, गुणजावली होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे I1 इंटरसेक्शन I2 के, एंड I1 इंटरसेक्शन I2 को R की गुणजावली होने के लिए गुणजावली की जो आवश्यक शर्तें थी वो प्रूफ करनी होगी हमें। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ करते हैं। देखिए, I1 एंड I2 आपने रिंग R के दो आइडियल लिए हैं। ठीक है, तो आइडियल्स होने के लिए सबसे पहले इन्हें सब रिंग होना आवश्यक है रिंग R की। जब हमने आइडियल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो आइडियल I होता है वो एक विशेष प्रकार की सब रिंग होती है रिंग R की। ठीक है, उपवल्य जिसे कहेंगे, सब रिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, उपवल्य। ठीक है, I1 तथा I2 रिंग R के एक विशेष प्रकार के उपवल्य होते हैं, उसके बाद वो आइडियल्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट I1 एंड I2 रिंग R के सब रिंग्स होंगे। ठीक है, और हमने सब रिंग्स में आपको ये थ्योरम पढ़ाई है कि यदि I1 एंड I2 रिंग R के सब रिंग्स होंगे, दिस इम्प्लाइज दैट I1 इंटरसेक्शन I2 भी रिंग R का क्या होगा, सब रिंग होगा। और सब रिंग किसी भी सब रिंग की एक आवश्यक शर्त थी, पहली वाली क्या थी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, यानी I1 इंटरसेक्शन I2 से दो एलिमेंट लो A, B, दो एलिमेंट ए बी टाइप के, तो फर्स्ट जो शर्त थी वो क्या थी, A-B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, A into B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो जहाँ हमें यहाँ पे आइडियल्स के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो कौन सी है, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो आइडियल के लिए, जो आइडियल की डेफिनेशन में आती है वो है ये वाली, इफ ए बी बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 देन A-B ऑल्सो बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी किसी भी सबसेट को रिंग R का, किसी भी उपवल्य को रिंग R का आइडियल होने की फर्स्ट कंडीशन थी कि दो एलिमेंट लेंगे हम AB बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 देन A-B ऑल्सो बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो ये हमारी पहली शर्त थी किसी भी उपवल्य को क्या होने के लिए, आइडियल होने के लिए। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। देखिए, अब मान लीजिए हमारी जो सेकंड कंडीशन क्या थी, हम एक एलिमेंट लेते थे रिंग R का, स्मॉल R ले लिया यहाँ पे, एक एलिमेंट ले लिया रिंग R का, एक एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे I1 इंटरसेक्शन I2 से।
ठीक है, यदि मेरा a इंटू आर एंड r इंटू ए आई वन इंटरसेक्शन आई टू में बिलोंग कर जाएगा, तो हमारे यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं सेकेंड कंडीशन को। देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि यदि a बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू, क्या है यहाँ पे, a बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू, ए देखिए, a बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू, मतलब क्या है, a के ही दोनों का ही एलिमेंट है, आई वन का भी एंड आई टू का भी। ठीक है, तो a दोनों का ही एलिमेंट है, इसका मतलब a आई वन में भी बिलोंग करता है एंड a आई टू में भी बिलोंग करता है। और क्योंकि आपने सबसे पहले क्या लिया था, I1 एंड I2 को क्या माना था, रिंग R का आइडियल्स, यानी ये ऑलरेडी I1 और I2 ऑलरेडी आइडियल्स हैं, तो ये आइडियल्स की कंडीशन जो सेकंड कंडीशन थी उसको उसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी एक एलिमेंट में कैपिटल R से लूँ और एक एलिमेंट में I1 से लूँ, तो ये जो सेकंड कंडीशन है आइडियल की, a इंटू आर बिलोंग्स टू आई वन तथा r इंटू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आई वन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आई वन है वो रिंग r का आइडियल लिया है हमने। ठीक है, सिमिलरली i2 भी रिंग r का आइडियल है। ठीक है, i2 क्या है, रिंग r का आइडियल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि एक एलिमेंट r से लूँ, एक एलिमेंट a I2 से ले रही हूँ, तो A into R also belongs to I2 and R into A also belongs to I2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट AR belongs to I1 and AR belongs to I2। This implies that, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ए आर बिलोंग्स टू आई वन एंड ए आर बिलोंग्स टू आई टू, यानी ए आर ऐसा कॉमन एलिमेंट आ रहा है जो दोनों में बिलोंग करता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं कि ए आर बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू। सिमिलरली आर ए बिलोंग्स टू आई वन एंड आर ए बिलोंग्स टू आई टू, दिस इम्प्लाइज दैट आर ए बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, सॉरी, जो हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पे थी, वो हमारी प्रूफ हो गई है कि एक एलिमेंट स्मॉल r मैंने रिंग में से लिया एंड एक एलिमेंट a मैंने i1 इंटरसेक्शन i2 में से लिया, देन r a ऑल्सो बिलोंग्स टू i1 इंटरसेक्शन i2 एंड ar ऑल्सो बिलोंग्स टू i1 इंटरसेक्शन i2। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन मेरी, हमने जब आई वन इंटरसेक्शन आई टू को सबरिंग्स लिया था, तो वहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन निकल के आ रही थी कि ए बी बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आई वन इंटरसेक्शन आई टू। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, किसी भी सबसेट का, नॉन एम्प्टी सबसेट्स को आइडियल होने के लिए। तो हम इस प्रकार कहेंगे कि देयरफॉर आई वन इंटरसेक्शन आई टू रिंग आर का क्या है, आइडियल, यानी गुणसावली होगी। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम्स फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, हम सेकंड थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड थ्योरम क्या कह रही है हमारी, कि if I1 and I2 be the two ideals of a ring R, then I1 plus I2, I1 plus I2 है क्या, a I1 plus I2 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, a1 plus a2 टाइप के एलिमेंट। ओके, a1 plus a2, b1 plus b2, c1 plus c2, a plus b, where a1 किसका एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो I1 का एलिमेंट होगा एंड जो सेकंड एलिमेंट a2 आएगा वो किसका एलिमेंट होगा, I2 का। ओके, तो इसको कहते हैं सम ऑफ टू आइडियल्स। ठीक, अब हमें ये जो सम ऑफ टू आइडियल्स है इसको प्रूफ करना है कि ये भी सम ऑफ टू आइडियल्स इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ रिंग R कंटेनिंग बोथ I1 एंड I2। यानी I1 प्लस I2 जो है वो अपने अंदर I1 को भी कंटेंट करेगा, अंतर्विष्ट करेगा, और I2 को भी अपने अंदर
अंतर्विष्ट करेगा यानी कंटेंट करेगा, मीन्स आई वन और आई टू इसके सबसेट्स होंगे आई वन प्लस आई टू के, ठीक है। तो देखिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने मानना है कि मान लीजिए हम किस प्रकार प्रूफ करेंगे, हम टू एलिमेंट लेंगे आई वन प्लस आई टू के, है ना। तो टू सबसे फर्स्ट कंडीशन के लिए हम यहाँ से टू एलिमेंट्स पिकअप करेंगे और वो टू एलिमेंट्स का यदि सब्ट्रैक्शन भी इसी में आ जाता है, बिलोंग कर जाता है आई वन प्लस आई टू में, तो हम कहते हैं कि हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो आइडियल की वो प्रूफ हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए ए वन प्लस ए टू बिलोंग्स टू आई वन प्लस आई टू एंड बी वन प्लस बी टू ऑल्सो बिलोंग्स टू आई वन प्लस आई टू। तो हमने यहाँ से दो एलिमेंट उठा लिए, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। ये दो एलिमेंट ले लिए किसके, आई वन प्लस आई टू के। अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये एलिमेंट किस प्रकार लिए है मैंने, ए वन प्लस जो ए वन एंड बी वन, ये दोनों एलिमेंट ए वन एंड बी वन ये किसके एलिमेंट होंगे, आइडियल आई वन के, एंड ए टू एंड बी टू, ए टू तथा बी टू ये किसके एलिमेंट होंगे, आइडियल आई टू के, ठीक है, ओके। तो क्योंकि आई वन एंड आई टू, जो आई वन एंड आई टू है वो रिंग आर के दो आइडियल है, ये हम हमें पता है, ठीक है, दिया हुआ है। अब देखें आई वन और आई टू रिंग आर के दो आइडियल है एंड ए वन बी वन बिलोंग्स टू आई वन, क्योंकि आई वन आइडियल है तो ए वन माइनस बी वन भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, आई वन में, तथा ए टू बी टू किसके एलिमेंट थे, आई टू के। तो आई टू आइडियल होने के कारण ए टू माइनस बी टू ऑल्सो बिलोंग्स टू आई टू, ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एलिमेंट किसका है, आई वन का, ठीक है, एंड ये जो एलिमेंट ए टू माइनस बी टू है ये किस में आ गया, आई टू में, ठीक। तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को अगर ऐड करें वो किसका एलिमेंट्स होगा, आई वन प्लस आई टू का, ठीक है। तो ऐड किया मैंने ए वन माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस बी टू, ठीक। अब क्या करता है, इन दोनों ए वन प्लस ए टू को एक साथ लिख लिया इसने यहाँ पे, ठीक है, एंड बी वन प्लस बी टू यानी ये दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, एंड बी वन प्लस बी टू को एक साथ लिखा है, ठीक है, तो ये लिख दिया बी वन प्लस बी टू, ठीक, माइनस इसने कॉमन ले लिया तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने यही एलिमेंट तो पिकअप किए थे, ए वन प्लस ए टू पिकअप किया था आई वन प्लस आई टू से, एंड बी वन प्लस बी टू पिकअप किया था आई वन प्लस आई टू से, है ना, ये और ये दोनों इसी के एलिमेंट्स से, एंड इनकी जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम इसमें से घटा के, ये वाला जो आया पूरा किस में बिलोंग कर रहा है, ये अगेन आई वन प्लस आई टू में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी किसी भी सबसेट्स को आइडियल होने के लिए, रिंग के किसी भी सबसेट्स को आइडियल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन थी कि दो एलिमेंट्स अगर वहाँ से पिकअप करो एंड दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन भी उसी सबसेट्स का एलिमेंट्स है, उसी सबसेट का अवयव है, तो हम कहेंगे कि हमारी पहली कंडीशन है जो आइडियल की वो प्रूफ हो गई, ओके। अगेन हमें दूसरी कंडीशन हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन में देखिए क्या करना है, हमें एक एलिमेंट लेना है स्मॉल आर टाइप का रिंग आर से और एक एलिमेंट लेना है आई वन प्लस आई टू से। आई वन प्लस आई टू से हमने कौन सा एलिमेंट लिया, हमने एलिमेंट लिया ए वन प्लस ए टू टाइप, ओके। किस प्रकार का एलिमेंट लिया है, ए वन प्लस ए टू टाइप का, आप जानते हैं ए वन प्लस ए टू आई वन प्लस आई टू से लिए हैं, तो यहाँ पे ए वन किस में बिलोंग कर जाएगा, आई वन में, एंड ए टू किसका एलिमेंट होगा, आई टू के, एंड आई वन प्लस आई वन ऑलरेडी एन आइडियल है, आई टू भी एक आइडियल है रिंग आर का, ठीक है। तो आई वन और आई टू रिंग आर के आइडियल होने के कारण आइडियल्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक स्मॉल आर तो मैंने कहाँ से ले लिया, रिंग आर से, ठीक
ठीक। ए वन किसका एलिमेंट है? आई आई वन का, और ए टू किसका एलिमेंट है? आई टू का। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि आई वन एंड आई टू दोनों क्या है? आइडियल, और ये दोनों एलिमेंट है इनके, ठीक है। ये इसका है, ये ए टू आई टू का है, और एक एलिमेंट मैंने रिंग आर से लिया, ठीक। क्योंकि आई वन आइडियल है रिंग आर का, तो आर इंटू ए वन एंड ए वन इंटू आर ऑल्सो बिलोंग्स टू आई वन, ओके। इसी प्रकार आई टू जो है वो आइडियल है रिंग आर का, ठीक है। तो आर इंटू ए टू तथा ए टू इंटू आर ऑल्सो बिलोंग्स टू आई टू, ये सेकेंड कंडीशन थी रिंग किसी भी सबसेट्स को आइडियल होने के लिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए यही लिखा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, ओके। ये जो हम मैंने बताया था कि एक एलिमेंट रिंग आर से लूँ, एक एलिमेंट आइडियल से ले रही हूँ, तो आर इंटू ए वन तथा ए वन इंटू आर ऑल्सो बिलोंग्स टू आई वन, ओके। इसी प्रकार यहाँ से एक एलिमेंट, ये आई टू आइडियल है रिंग आर का, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि आर इंटू ए टू बिलोंग्स टू आई टू तथा ए टू इंटू आर ऑल्सो बिलोंग्स टू आइडियल आई टू, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए इससे और इन दोनों कंडीशन से आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कह सकते हैं कि आर इंटू ए वन बिलोंग्स टू आई वन एंड ए वन इंटू आर बिलोंग्स टू आई वन तथा आर इंटू ए टू बिलोंग्स टू आई टू एंड ए टू इंटू आर बिलोंग्स टू आई टू, ठीक है। अब देखिए अपन जब सम करेंगे तो सम में मैंने ये कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, फर्स्ट एलिमेंट्स को यहाँ पे देखिए ये ऐड कर दिया। आर इंटू ए वन प्लस आर इंटू ए टू किसका एलिमेंट होगा? आई वन प्लस आई टू का, ठीक। इसी प्रकार इन वालों को ऐड कर दिया, जो लेफ्ट जो राइट आइडियल राइट वाले थे ना, ये दोनों राइट आइडियल वाले, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये दोनों किसके एलिमेंट होंगे? आई वन प्लस आई टू के होंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल आर है जो कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया? आर इंटू ए वन प्लस ए टू, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आई वन प्लस आई टू तथा ए वन प्लस ए टू इंटू आर, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आई वन प्लस आई टू। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन दूसरी थी, किसकी? किसी भी सबसेट्स को आइडियल होने की सेकंड कंडीशन थी, कि मैंने स्मॉल आर कहाँ से लिया था? रिंग आर से लिया था, और ए वन प्लस ए टू किसका एलिमेंट था? आई वन प्लस आई टू का था, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये लेफ्ट आइडियल की थी, एंड ये वाली कौन सी थी? राइट आइडियल की, ओके। ये वाली कंडीशन मेरी लेफ्ट आइडियल की थी, और ये वाली कंडीशन मेरी राइट आइडियल की थी, कि ए वन प्लस ए टू इंटू आर बिलोंग्स टू आई वन प्लस आई टू, ओके। तो हमारी यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सम ऑफ टू आइडियल है आई वन प्लस आई टू, ये भी क्या होगा? रिंग आर का एक आइडियल होगा, ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो आई वन प्लस आई टू है, यानी सम ऑफ टू आइडियल्स है, ये अपने अंदर कंटेंट करता है आई वन को भी एंड आई टू को भी, है ना। अपने यानी आई वन और आई टू दोनों सबसेट्स होंगे आई वन प्लस आई टू के, ठीक है। ये प्रूफ किया, देखिए यहां से देखिए, एक तथा दो से सिद्ध होता है, ये जो समीकरण हमने पीछे दी है, इनके लिखा हुआ है हमने, ये सेकंड है तथा ये फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड पीछे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। तो एक और दो से सिद्ध होता है कि आई वन प्लस आई टू भी रिंग आर की एक गुणजावली है, यानी ये पहली कंडीशन जो हमने दो एलिमेंट्स लिए थे आई वन प्लस आई टू से, एंड टू एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन भी इसी में बिलोंग करता था, तो ये थी पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन अभी हमने प्रूफ की है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन से पता चलता है कि आई वन प्लस आई टू रिंग आर का क्या होगा? क्या होगा? गुणजावली होगी, यानी आइडियल्स होगा, ओके। अंत में अब हमें सिद्ध करना है कि आई वन प्लस आई टू अपने अंदर आई वन तथा आई टू को भी कंटेंड करता है, यानी आई वन
सबसेट होगा आई वन प्लस आई टू का, एंड आई टू भी सबसेट होगा किसका, आई वन प्लस आई टू का। तो देखिए, क्योंकि ए वन किसका एलिमेंट था, आई वन का, ठीक है, ए वन प्लस ए टू टाइप का, ठीक। तो ए वन किसका एलिमेंट है, आई आई वन का, और जीरो मैं ले लूँ आई टू से। भाई आई टू है तो एक एक विशेष प्रकार की सब रिंग कह लीजिए, उपवलय। तो सब रिंग्स और उपवलय, सब रिंग, रिंग क्या होता है, अपने आप में एक ग्रुप होता है। ग्रुप कब होगा, जब उसमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी तत्समक कह लीजिए, यानी जीरो तो होगा ही होगा आई टू में, ठीक है। तो एक ए वन मैंने आई वन से ले लिया, जीरो अवयव मैंने आई टू से ले लिया, तो ए वन प्लस जीरो किस में जाएगा, किस में जाएगा, ये आई वन प्लस आई टू में, ठीक है। एंड ए वन प्लस जीरो होगा क्या, ए वन ही है, ए वन में जीरो ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, ए वन, यानी ए वन किस में बिलोंग कर गया, आई वन प्लस आई टू में। यानी मैंने आई वन के यदि सारे के सारे एलिमेंट लूँ और वो सारे सारे एलिमेंट किस में जा रहे हैं, आई वन प्लस आई टू में, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि आई वन किसके किसका सबसेट्स है, आई वन प्लस आई टू का। इसी प्रकार जैसे ये समझाया वैसे दूसरा हम समझेंगे कि मैं ए टू कोई भी एनी एलिमेंट आई टू से मैं ले रही हूँ एंड जीरो आई वन से ले रहे हैं, तब हम जीरो प्लस ए टू लिखेंगे, जीरो प्लस ए टू, ठीक है। आगे पीछे मत लिख देना, ए टू प्लस जीरो नहीं लिखना है, नहीं तो वो तो आई टू प्लस आई वन का एलिमेंट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, पहले आई वन का लिखेंगे जीरो प्लस ए टू, जीरो प्लस ए टू किस में बिलोंग कर जाएगा, आई वन प्लस आई टू में। और जीरो प्लस ए टू है क्या, ए टू ही है, जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर ऐड करने से, तो ये है क्या, ए टू ही है। तो ए टू हमारा किसका एलिमेंट हो गया, आई वन प्लस आई टू का। तो कोई भी एलिमेंट यदि आई टू से लूँ वो किस में बिलोंग कर रहा है, आई वन प्लस आई टू से, यानी आई टू भी क्या होगा, सबसेट्स होगा आई वन प्लस आई टू, ठीक है। तो प्रूव हो गया ये, हैंस प्रूव, ओके। नेक्स्ट हम इसी पे आधारित कुछ थ्योरम्स लेंगे, ओके बाय।